सभापति महोदय अभी तो मैंने शुरू नहीं किया। हो गया अध्यक्ष महोदय, आपका कुछ रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। नो जी अध्यक्ष महोदय, बोलिए बोलिए। मैं आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि 193 की जो युवा और खेल के बारे में जो चर्चा हो रही है, आपने मुझे मौका दिया। रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है आपका, अब बैठ जाइए प्लीज। आदरणीय सत्यपाल सिंह जी, जी मैं उन्हीं का रिकॉर्ड में जाएगा जी। बोलिए। मैं अब बोले बोले। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम सब लोग इस सदन के अंदर, हम सब लोग या सरकार के स्तर पर, हम सभी प्रकार की जो है हम लोग जो है योजना बनाते हैं और जीवन का जो लक्ष्य है। गलत शब्द का उपयोग कर रहे हैं, कुछ रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, केवल सत्यपाल सिंह जी का रिकॉर्ड में जा रहा है। जीवन का लक्ष्य, हर एक व्यक्ति का जीवन का लक्ष्य, शिक्षा का लक्ष्य, कि शांत के जीवन के अंदर हर एक आदमी को सुख शांति और समृद्धि मिले, ये हर एक व्यक्ति का, हर एक मानव का एक लक्ष्य है। हम लोग जो हैं, जब युवाओं के बारे में हम लोग बात करते हैं तो हमारे उसमें ये लिखा है कि हर एक युवा, इस देश का युवा किस प्रकार का बने, उसको सुख शांति और समृद्धि मिले, उसको जीवन के अंदर खुशी मिले। और आज़ादी के इस 75वें अमृत महोत्सव के समय में, इस 75 वर्ष होने के बाद, हम लोग जिस प्रकार की इस देश के जो यशस्वी थे प्रधानमंत्री जी, इस देश के लिए जो उन्होंने कहा कि इस देश को जो है विश्व गुरु बनाना है, कि अगले जो 25 वर्ष हैं देश के लिए, ये 25 वर्ष इस देश के लिए एक अमृत काल है। इस देश में अगर अमृत काल है तो हमको जो है, हम किस प्रकार का संदेश अपने युवाओं को देना चाहते हैं, इस देश में हम किस प्रकार के नागरिक तैयार करना चाहते हैं, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं अपनी बात खेलों से पहले, युवा संबंधी मेरे कुछ विचार है, मैं उस पर अपने विचार रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, देखिए, हम चीजों के लिए अगर हमको कोई लंबाई नापनी है तो लंबाई के लिए हम लोग मीटर रखते हैं, इंच रखते हैं, किलोमीटर रखते हैं। अगर हमको जो है हमको वजन नापना है तो वजन जो है हम किलो में नापते हैं, मनों में नापते हैं, कुंटल में नापते हैं, टनों में नापते हैं। लेकिन अगर जीवन की अगर खुशी अपने को नापनी हो, जिसका कोई पैमाना है या नहीं, ये कई बार ये प्रश्न पैदा होता है कि कौन आदमी कितना खुश है, ये समाज कितना खुश है या देश कितना खुश है, इस बात का हमारे पास क्या पैमाना है। आजकल के शास्त्रियों से अगर जो है, जो शास्त्रज्ञ हैं अलग अलग फील्ड के, उनसे पूछें, जो मैनेजमेंट के गुरु हैं, जो इस विषय में जो है भाषण करते हैं कि आदमी की आनंद का, आदमी की खुशी का पैमाना क्या है, तो इस बात का वो जवाब उनके पास नहीं है कि आदमी की खुशी का जवाब क्या हो। लेकिन जब हम लोग अपने देश की संस्कृति जो लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारे शास्त्रकारों ने इस बात का जवाब दिया कि इस देश का जो युवा है, समाज का जो युवा है, वो कैसा बने, और उन्होंने कहा, युवा शात साधु, युवा अध्यापक है, आशिष्ट हो, दर्दिष्ट हो, बलिष्ठ हो, तस्य पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्णा शात स एको हो मानुष्य आनंद है। आनंद की इकाई क्या है, उसका नापने का तरीका क्या है, तो उन्होंने कहा, जिस समाज का, जिस देश का जो युवा होगा, उसका जो युवा है वो कितना बहुत अच्छे चरित्र का धनी होना चाहिए, वो बहुत अच्छे गुड कैरेक्टर का होना चाहिए, वो बहुत अच्छा पढ़ने वाला होना चाहिए, बहुत विद्वान और ज्ञानी होना चाहिए। उसके साथ साथ उन्होंने कहा, आशिष्ट हो, दर्दिष्ट हो, बलिष्ठ हो, वो बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए कि उसको जीवन में कुछ करना है, जीवन में उसको प्रगति करना है, जीवन में उसको तरक्की करना है, और जो हर प्रकार से बलिष्ठ होना चाहिए, शरीर के रूप से बलिष्ठ हो, मानसिक रूप से बलिष्ठ हो, आत्मिक रूप से बलिष्ठ हो, वो ऐसा हमारा, वो कहते हैं अगर इस प्रकार के युवा, ये समाज, ये देश अगर तैयार करेगा तो निश्चित रूप से न केवल भारतवर्ष में लेकिन पूरी दुनिया के अंदर सावित्तस्य पूर्णा स्यात्, जो कहते हैं कि एक पृथ्वी के ऊपर कितना जो आनंद है, सह एको मनुष्य आनंद है, वो एक आनंद की एक इकाई है। तो हम लोग जो है हमारे इस देश के अंदर भी या दुनिया के अंदर भी हम सब प्रकार की हम योजनाएं बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, लेकिन क्या मानव निर्माण की हमारे पास योजना है या नहीं, इसके बारे में हम लोग बहुत कम जो है विचार करते हैं।
हमारी शिक्षा जैसी हो, हमारे खेल कैसे हो, क्या हम अपने अपने देश के अंदर इस प्रकार के युवा, इस प्रकार के मानव का निर्माण कर सकते हैं। कि मुझे लगता है कि हमारे माननीय मंत्री जी को भी उनका जो युवा और जो है खेलों का जो है इस विषय में ध्यान देने की जरूरत है कि हमारे किस प्रकार के युवा हमको चाहिए, किस प्रकार की शिक्षा उनके लिए चाहिए, किस प्रकार का माहौल उनके लिए चाहिए। मैं कई बार इसको कहता हूँ, अगर पढ़े लिखे लोग जो है बार बार अगर बीमार होते हैं, मुझको लगता है, मुझे डाउट होता है कि वो कितने पढ़े लिखे हैं। अगर हम अपने को स्वस्थ नहीं रख सकते, क्या हमारे बच्चों को आज ये सिखाया जाता है कि हम स्वस्थ कैसे रहें? स्वस्थ रहने के लिए क्या जरूरी है? केवल मात्र खेल जरूरी नहीं है, केवल मात्र जो एक्सरसाइज जरूरी है, केवल मात्र उसके कारण से जो कोई जो है स्वस्थ नहीं रह सकता। खेल भी जरूरी है, लेकिन स्वस्थता के लिए, हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उसके लिए बहुत कुछ बातें जरूरी है। और कुछ बातों में हमको ज्यादा इस बात के रिसर्च करने की जरूरत नहीं, जो हजारों लाखों वर्षों से जो रिसर्च होती आई है, हमारे देश के ऋषि मुनि जो रिसर्च करते आए हैं और उन्होंने जो लिखा है, हमारे ऋषि मुनि जो है हर एक उनकी एक एक बात आप तो उसको कहते हैं आप उपदेश हो शब्द है, उनका एक एक वाक्य शब्द जो है सत्य था, क्योंकि वो मजाक में भी कभी झूठ नहीं बोलते थे। उन्होंने जो कुछ लिखा उसने केवल भारतवर्ष के लिए लिखा, सारी मानवता के लिए लिखा, और उन्होंने लिखा कि अगर स्वस्थ रहना है तो उसके लिए तीन बातें बहुत जरूरी है। हम लोग किस प्रकार का खाना खाएंगे, किस प्रकार से सोएंगे और जागेंगे, और किस प्रकार का हम लोग व्यायाम करेंगे। इसलिए हम लोग जब बात करते हैं खेलों के बारे में, जब बात करते हैं, मैं तो अपने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं इस देश के अंदर खेलों का एक नया प्रकार का वातावरण, नई प्रकार की परिस्थिति जो तैयार हुई है। हम लोग खेलो इंडिया के माध्यम से हम गांव-गांव जा रहे हैं, प्रदेश प्रदेश जा रहे हैं, और अभी हमने अभी कुछ दिनों पहले लगभग प्रत्येक सांसद ने अपने यहाँ सांसद खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया। और एक सांसद खेल प्रतियोगिता के जो है, मैं तो अपने के अध्यक्ष महोदय, मैंने मेरे जो सांसद निधि होती है, मैंने अपनी पूरी की पूरी सांसद निधि इस बार के जो मैंने कहा कि मेरे बागपत जो लोकसभा क्षेत्र है, मेरी सारी की सारी सांसद निधि जो है वो केवल खेलों के लिए जो है खर्च की जाए। तो मैं इस बात को कह रहा था कि हम लोग जो खेलों के बारे में हम लोग करें तो क्या करें। जैसे हमारे निशिकांत दुबे जी कह रहे थे कि इस प्रकार की एक पॉलिसी, इस प्रकार की एक नीति बनाने की जरूरत है कि हमारे बहुत से हमारे बच्चे जो शहरों में नहीं आ पाते, गाँव में रहते हैं, उनके पास है जो हमारी जो स्कीमें, हमारी जो योजनाएं हैं, उनको पहुंच नहीं पाते, उनको मालूम नहीं चलता। लेकिन ये जो टैलेंट का जो स्काउटिंग करना है उसको पता कम कैसे कर सकें, इसलिए गाँव के अंदर पता करने के लिए हरेक गांव में जो है, मुझको लगता है कि हमको जो है हरेक जो जिस क्षेत्र के अंदर जो भी खेल जो है वो लोकप्रिय है उसके अंदर हम जो है प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज करें, कंपटीशन ऑर्गेनाइज करें, और निश्चित रूप से वहाँ के बच्चे जो है उसमें जब भाग लेंगे तो जो निखर करके आएंगे उससे चल करके वो निश्चित रूप से जो है उसमें आगे बढ़ेंगे। मैं ये कहता हूँ खेल जो है एक ऐसी चीज है जो है स्वास्थ्य भी देती है, जो सम्मान भी देती है, और आजकल के जमाने में वो रोजगार भी देती है, वो स्टेटस भी देती है। इसलिए आजकल के बच्चों में इस बात के लिए प्रति अच्छे खिलाड़ी हम लोग बन सकें, उसके लिए हम लोग किस प्रकार की एक नीति हम तैयार करें कि विशेष रूप से जो इंटीरियर एरियाज हैं, हमारे ग्रामीण एरियाज हैं, हमारे जो तथाकथित आदिवासी वनवासी जो एरिया हैं, हम अपने बच्चों को वहाँ किस प्रकार के खेल का किस तरह उनको लाएं, इस बात की जो हमको जो है बहुत जरूरत है। मैं एक मुझे याद आता है कई वर्ष पहले मैंने पढ़ा था कि जर्मनी के अंदर एक दिन ऐसा आता है, साल भर में एक बार ऐसा आता है कि पूरे जर्मनी के लोग बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सब उस दिन दौड़ लगाते, पूरा का पूरा देश जो है दौड़ लगाता है। ऐसे जर्मनी के अंदर जो खेलों के बारे में जो भावना पैदा हुई, क्या हमारे देश के अंदर हम लोगों का भी जो जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है, लेकिन आजकल के जब उसमें पता नहीं जिस प्रकार से क्रिकेट का बहुत महत्व बढ़ गया है या दूसरे खेलों का, हर एक खेल का महत्व है, लेकिन हमारा जो राष्ट्रीय खेल है जिसको हम हॉकी कहते हैं, या तो हम खेल के राष्ट्रीय में जो खेल का नाम बदलें, हम दूसरे किसी खेल का रखें, अगर हम राष्ट्रीय खेल हॉकी को मानते हैं तो हॉकी को भी गांव-गांव जो है पहचान जो है पहुंचाने की जरूरत है, उसके बारे में निश्चित रूप से हमें जो है एक योजना बनाने की जरूरत है। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, मेरा बागपत क्षेत्र खेलों के बारे में विशेष रूप से शूटिंग के क्षेत्र में पूरे देश के लगभग 50% बच्चे अकेला बागपत देता है शूटिंग के क्षेत्र में, और माननीय मंत्री जी को भी इस बात का शायद आलू होगा कि शूटिंग के क्षेत्र में इतने बच्चे जो हैं हमारे उसमें आते हैं।
मैं भी इससे बहुत वर्षों से 25-30 वर्षों से मैं भी इस शूटिंग के क्षेत्र में मैं जुड़ा हुआ हूं। हमारे क्षेत्र के अंदर कुश्ती में 6 बागपत छोटा सा जिले है वहां पर 6 अर्जुन अवार्डीज हैं हमारे, उसमें वॉलीबॉल बास्केटबॉल आर्चरी पूरे देश के अंदर शायद 2 सेंटर होंगे, 1 सेंटर हमारे बागपत में है कि आर्चरी में जो धनुष्बाण उसको सिखाते हैं वो आर्चरी का सेंटर जो है हमारे बागपत के अंदर है। दादी भी है वो शूटिंग में, दादी भी है शूटिंग में, दादी भी है बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, इसलिए बच्चे से लेकर के बूढ़ों तक दादी दादी की उम्र तक सब लोग जो है शूटिंग में जो है पार्टिसिपेट करते हैं, प्रतिभागी बनते हैं, तो एक माहौल है। और जगह जगह स्कूल के अंदर कॉलेजों के अंदर इस प्रकार के शूटिंग रेंज बने हुए हैं। हमारे बच्चों के पास इन खेलों के अंदर एथलेटिक्स हैं, हमारे बच्चों के पास में कोच हैं कोई सुविधा ही नहीं है, इसलिए बागपत के बच्चे ज़्यादातर हरियाणा में जाते हैं, पंजाब में जाते हैं, वहाँ जाकर के प्रशिक्षण लेते हैं, वहाँ जाकर के ट्रेनिंग लेते हैं। पिछले कई वर्षों से जब से मेरे क्षेत्र के लोगों ने आशीर्वाद देकर के मुझे इस संसद में भेजा है, मैं इस बात की मांग करता रहा हूँ कि बागपत के अंदर एक नेशनल खेल संस्थान बनाया जाए, एक राष्ट्रीय खेल संस्थान बनाने की जरूरत है। और ये केवल बागपत के लिए काम नहीं आएगा, आसपास के हमारे हरियाणा का जो क्षेत्र है उसके भी काम आएगा, आसपास के हमारे जो जिले हैं वहाँ पर भी काम आएगा। मैं ये जो मुझे मौका आपने दिया है इसके समय इसमें हमारे प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का भी बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ और देश के प्रधानमंत्री जी का भी कि हमारे यहाँ प्रदेश की सबसे पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है आपके जो है मेरठ में बन रही है, तो आपका भी मैं अभिनंदन करता हूँ, उसमें आपका भी प्रेजेंस रहा है और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अभिनंदन करता हूँ कि एक यूनिवर्सिटी जो है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ के अंदर बनाई जा रही है। तो ऐसे एक खेल संस्थान की मैं मांग करता हूँ कि बागपत के अंदर उस जो है उसको बनाया जाए। एक और जो आपने देखा होगा अलग अलग खेलों में जो देश अभी अपने दुबे जी कह रहे थे, निशिकांत जी कह रहे थे कि 130 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में हम लोगों को जो मेडल मिलते हैं, जो पदक मिलते हैं, क्या उससे हम सेटिस्फाई हैं, क्या उससे हम संतुष्ट हैं? कोई भी उससे संतुष्ट नहीं हो सकता। छोटे छोटे देश जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ होगी 2 करोड़ होगी वो हमसे ज्यादा ज्यादा पदक लेते हैं, मेडल्स लेते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? और इसके पीछे जो मैंने जो है जानने की कोशिश की है वो कारण है कि वहां पर उस उन खेलों के बच्चों को जो बच्चों को 5-6 साल की उम्र से ही बच्चों को खेलों में डाला जाता है, उनका एक कैरियर बनाया जाता है, सरकार उस पर खर्च करती है, समाज उस पर खर्च करती है और परिवार उस पर जो ध्यान देता है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को भी इस विषय में जो है ध्यान देने की जरूरत है। मैं पुनः अध्यक्ष महोदय आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ, आजकल मैं क्योंकि पुलिस में रहा हूँ मैं इस बात को कई बार इस बात को कोट करता हूँ कि दिल्ली बम्बई बड़े बड़े शहरों के अंदर या मेरठ जैसे छोटे शहरों के अंदर जितने मर्डर्स होते हैं, जितनी हत्याएं होती हैं, उससे लगभग 6 गुनी आत्महत्याएं होती हैं। और आत्महत्याओं का ज्यादा पेपर में नहीं मिलता, इसका मतलब ये है कि हम लोग इस बात में फेल हो चुके हैं, असफल हो गए कि हम अपने बच्चों को इस बात को जो है नहीं सिखा पाए कि इस मानव जीवन की कीमत क्या है। और ये केवल बात ऐसा नहीं क्योंकि अनपढ़ लोग इस बात से आत्महत्या करते हैं, पढ़े लिखे लोग भी, प्रोफेसर भी, डॉक्टर्स भी, इंजीनियर्स भी, बड़े बड़े लोग जो हैं उसमें जो पढ़े लिखे लोग भी आत्महत्या करते हैं। इसका मतलब हम युवा कल जो है खेल मंत्रालय को इस बात पर सोचने की जरूरत है, हमारे युवा क्यों आत्महत्या करते हैं? जरा सा कोई टेंशन हो जाए, जरा सा कोई गम हो जाए, उसमें आत्महत्या करने लगते हैं। इन आत्महत्याओं से हमारे जो है समाज बचे और मर्डर से बचे, अपराध समाज के अंदर कम हो, इसलिए जैसे मैंने कहा था हमारे पास सर प्रकार की योजनाएं हैं, हमारे पास स्कूल बनाने की योजना है, रोड बनाने की योजनाएं हैं, हॉस्पिटल बनाने की योजनाएं हैं, अच्छी बिल्डिंग बनाने की योजनाएं हैं, पर मानव निर्माण बनाने की योजना हमारे पास नहीं है। हम मानव निर्माण की योजना बनाएं, एक अच्छा बहुत सफल बहुत अच्छा नागरिक जो है एक अच्छा युवा हम कैसे तैयार कर सके, इस विषय में हम लोगों को बहुत गंभीर विचार करने की जरूरत है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका विशेष आभार व्यक्त करता हुआ अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। श्री विजय कुमार जी।